नांगल चौधरी के गांव भुंगारका में बिजली कर्मियों की टीम पर उससे में कुछ शरारती तत्वों ने हमला कर दिया जब वो वापस पावर हाउस लौट रहे थे, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर नारनौल रेफर कर दिया गया। घटना भुंगारका गांव की है, जिसमें वर्तमान डेलीगेट व 2 अन्य पर घायल बिजली कर्मियों ने आरोप लगाया कि डेलीगेट के ट्यूबवेल पर 3 फेज की बिजली को कम कर 2.5 फेज कर दिया गया। उसी बिजली लोड के घटाने से वह डेलीगेट खिन था। विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थानीय पुलिस को शिकायत दी। अधिकारियों के मुताबिक आरोपी पहले भी बिजली कर्मियों पर हमला कर चुका है, लेकिन सख्त कार्रवाई न होने से उसके हौसले बुलंद हैं। हालांकि पुलिस को शिकायत दे दी गई है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हम भुंगारका गांव से कंप्लेंट करके नंगली गए थे। नंगली से कंप्लेंट करके वापस आते वक्त हमें रास्ते में रोका और सीधा रोड से हमला किया। किसी से मारते? वो रोड से मारा था। क्या मामला था? मामला वो अवैध मोटर चला रहा था विदाउट कनेक्शन। उसके हमने 2 दिन पहले 2.5 के वो कर दिए थे फेस 3 की बजाय, तो उसकी कोई रंजिश होगी। आप जानते हैं उसको जिसने हमला किया? हाँ। क्या नाम है, कौन है? मनपाल। कौन से गांव का? बुंगार का, प्रेजेंट में डेलीगेट है। कंप्लेंट करने गए थे बुहार का, कंप्लेंट करके नांगल उसमें गए थे नंगली में। नंगली कंप्लेंट करके वापिस आए तो इन्होंने महिपाल जो मेन पाल है उसने टेलीफोन करा भाई तुम ये करके कंप्लेंट वो करके, तो इन्होंने रास्ते में रोके, इनके साथ राड वगैरह से हमला कर दिया। और राड मोटरसाइकिल पे, एक मोटरसाइकिल पे 3 आदमी थे और तीनों को रोक के इन्होंने राड से उसके हमला कर दिया। और इसके जयप्रकाश लाइन में एलम के सिर में मारी और इसे बेहोश हो गया। और ये फिर हाथापाई इनकी अच्छी ठोका पेटी हुई, तो मेरे को पता लगा। मैंने इनकी पहले तो इनको फर्स्ट एड के लिए कहा था, फर्स्ट एड सिविल हॉस्पिटल में ले जाके और इनका वो करवा के, फिर सिविल हॉस्पिटल नांगल चौधरी ने इनको नारनौल रेफर कर दिया। मैं इन कार्रवाई में लगा और डिपार्टमेंट की कार्रवाई इनके वो, और जो मेन पाल है वो शरारती तत्व है, उसके पहले भी कोई केस हुआ था बिजली बोर्ड में, पुलिस कार्रवाई ना होने के कारण वो उसके हाथ पाँव ज़्यादा हैवी हो रहे हैं और इसलिए अभी कंप्लीट कर दी। हाँ, अब FIR उसकी करवा दी। क्या मांग करते हो? मांग हम कार्रवाई करेंगे, इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।